पुल अगर हो तो अच्छा हो, आने वाले 100 साल तक टिके रहे, जैसे कि दिल्ली का जो वो कौन सा पुल है, लोहे का पुल जो बना है, वैसा पुल हो कि अंग्रेज सरकार मजबूत, अंग्रेज सरकार बना के गया था, 100 साल हो गया है, 30 साल ऊपर हो गया, अभी भी पुल वैसे ही है, तस्से मस नहीं है। योजना जो दिया है उसमें तो खैर हम देख रहे हैं माशाल्लाह दे दिया है, बहुत बड़ी बात है नीतीश कुमार का, लेकिन आज तक हम एक गिलास पानी नहीं पी पाए। जी आप ये बताएं कि आपने सबसे पहले मीडिया पर सवाल उठाया है कि आप गोदी मीडिया है या असली मीडिया है, आप कैसे पकड़ेंगे कि मैं गोदी मीडिया हूँ या असली मीडिया हूँ? क्योंकि आज तक हमने देखे हैं यहाँ से जितने भी न्यूज वाले गए हैं हकीकत नहीं दिखाया है, तो पटरी के ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। मेरे ख्याल से 2005-07 से ये काम शुरू हुआ है और अभी तक फाइनल ही नहीं हुआ है, 17-18 साल हो गया है, तो अभी तक जो है काम क्लियर ही नहीं हुआ है। तो इतना हमारा नाव वाला रास्ता था, ये पुल नहीं था, हम नाव में जाते थे, अब पुल बन गया है तो नाव चला नहीं सकते, हम गोरी से घूम के जाना पड़ता है। तो नाव चाहिए था यहाँ पर तत्काल के लिए, नाव भी नहीं है, नाव दिया है तो कौन सा पंचायत भवन का एक नायक दिया था, 10 से 12 आदमी नहीं चढ़ सकते, वो कभी भी डूब जाएगा। पब्लिक है, हमारा बात ऐसे भी मीडिया तक पहुँचते है तो सरकार तक नहीं पहुँच पाते। नहीं नहीं, अब मीडिया तक पहुँच गई आपकी बात, ये गोदी मीडिया नहीं, इसलिए मैं यकीन दिला रही हूँ आपको, इसलिए जो बोलना है, जो समस्या है, जो परेशानी है बोले। नहीं, पुल बिल्कुल जो सही तरीके से जांच होना चाहिए, अच्छा मेटेरियल से बनना चाहिए, कोई वो छोटा मोटा पुल है नहीं, हाईवे रोड का है, सब कहते हैं 6 लाइन है, 6 लाइन का मतलब से उस हिसाब से पुल नहीं है। मोहम्मद अफसार आलम। अफसार जी आप ये बताएं कि आपने सबसे पहले मीडिया पर सवाल उठाया है कि आप गोदी मीडिया है या असली मीडिया है, आप कैसे पकड़ेंगे कि मैं गोदी मीडिया हूँ या असली मीडिया हूँ? क्योंकि आज तक हमने देखे हैं यहाँ से जितने भी न्यूज वाले गए हैं हकीकत नहीं दिखाया है, हकीकत दिखाया ही नहीं है, मतलब जो हम देखते हैं कि काट काट के सीन को जो है छोटा मोटा दिखा देता है बस। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। आप ये बताएं आज आप क्या बताना चाहेंगे न्यूज़बिन के जरिए, आपके यहाँ पुल बनाया गया, एक पाया धस चुका है, दूसरा पुल रेलवे लाइन का पुल बन रहा है, वहाँ पर खनन किया गया है, क्या बोलेंगे आज, दिल खोल कर बोले आप आज? देखिए हम तो इस बारे में अभी इसलिए नहीं ज्यादा बोल सकते हैं क्योंकि हम दिल्ली में ही रहते हैं, यहाँ पर ज्यादा हम 5-6 साल से रेगुलर जाते आते रहते, लेकिन अभी तक कोई पूछे कि क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा कहीं गड्ढा पड़ा हुआ है। अब जैसे यही है यहाँ से अंडावारी तक यानी कि तेलंगा मोजा तक 1-2 ब्रिज का जरूरत था इसी लाइन में, आज आने जाने का बहुत दिक्कत होगा हम लोगों को, जैसे का और भी गांव है वहाँ भी जाना है हम लोगों को, तो अब इसके लिए हमें रेल अगर आ रहा है तो हम पेट्री क्रॉस नहीं कर सकते, इमरजेंसी है तो नहीं जा सकते, या कोई मर जाए तो हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर एक ब्रिज होना जरूरी था, चाहे कलबट जैसा ही देता लेकिन जरूरी था वो चीज़, वो नहीं हुआ है। और सबसे पहली बात है कि जैसे कि अभी तत्काल के लिए मान के चलो कि हम लोगों को जाना है 10 मिनट के लिए पेशाब करने या कुछ भी जाना, हमें उसी साइड में जाना होता है तो पटरी के ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, तो ये चीज़ उस टाइम करना चाहिए, नहीं हुआ है, हालांकि विरोध भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि विरोध नहीं किए हैं, लेकिन होगा होगा कब होगा कुछ पता नहीं। कहां पर बनवाना है पुल आपको? सामने ही बनवाना था हमें। कौन सी जगह, नाम बताए नाम? ये जो कब्रिस्तान वाले जो चौक है यहीं पर। अच्छा, कब्रिस्तान वाले चौक पर। हाँ जी जी। और क्या कमियां नजर आ रही हैं आपको ये बताएं? यहाँ से हमें तो कमियां हैं बहुत सारे, ऐसे भी जमीन है कि LPC नहीं बना है, मिट्टी भी भराई नहीं हुआ है, इसमें बारिश वारिश इकट्ठे हुए तो गाँव वालों को दिक्कत होता है जाने आने में, वर्षा का मौसम है अभी, जैसे कि फैमिली वाले है जाना है, बकरी लेके जाना है, गाय लेके जाना है, जरूरी नहीं है तो इतना पानी भर के जाना पड़ता है लोगों को अभी से, वर्षा जबकि आया ही नहीं है अभी तक, गांव के आसपास में कीचड़ भरा हुआ है रेलवे के वजह से, कहीं से अभी तक बुझाई हुआ ही नहीं है सही से, तो इस बारे में आप बताइए क्या है, नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है ये चीज। आज हम रेगुलर मेरे ख्याल से 2005-07 से काम शुरू हुआ है और अभी तक फाइनल ही नहीं हुआ है। 2005 से कौन सा काम शुरू हुआ था? रेलवे का पुल का काम 2005 से। हाँ जी। अब तक पूरा नहीं हुआ? अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 2005 से आने के मायने के मोटा मोटी मान के चलो कि 17-18 साल हो गया है ना चाचा जी, 17-18 साल हो गया है, तो अभी तक जो है काम क्लियर ही नहीं हुआ है, तो इतने में 17-18 साल में हम किस चीज का दिक्कत का सामना किया हम जानते हैं। कभी ये रास्ता हमारा नाव वाला रास्ता था, ये पुल नहीं था, हम नाव में जाते थे, अब पुल बन गया था, नाव चला नहीं सकते, हम गोरी से घूम के जाना पड़ता है, ये भी मुद्दा है। अब जैसे बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले हैं वो तो चले जाते हैं, पैदल वाले कैसे जाएंगे, नदी भर जाते हैं, उसको फिर बहुत सारे चीज एडजस्ट करके जो घर में रखना पड़ता है, कभी होता है तो आज का हटिया कल कर लेंगे, कल का हटिया परसों कर लेंगे, यानी तो 50% भाड़ा देके ठाकुरगंज जाओ, अब उसके पास 50% होगा तभी तो ठाकुरगंज जाएगा ना किराया देके। तो नाव चाहिए था यहाँ पर तत्काल के लिए, नाव भी नहीं है, नाव दिया है तो कौन सा पंचायत भवन का एक नायक दिया था, 10 से 12 आदमी नहीं चढ़ सकते, वो कभी भी डूब जाएगा। कहाँ है वो नाव? अब दलंगा पंचायत में है अभी।
अभी दिया नहीं आप लोगों को? आता है कभी कभी टूरिस्ट बस बन के चला जाता है, टूरिस्ट बन के। अच्छा, और क्या, अभी जो वो मेची पुल बन रहा है उसका एक पाया धस चुका है, उस पुल को बराबर किया जा रहा है, किसी तरह से क्या आपको लगता है कामयाब होगा? कामयाब तो कभी नहीं होगा ये, अगर अभी तत्काल के लिए करके निकल भी जाते हैं तो आने वाला टाइम में वो जो है मुसीबत हो सकता है, और कुछ नहीं है, हादसे का शिकार होगा। होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या आप लोग उद्घाटन से रोक देंगे पुल को? अब हम कैसे रोक सकते, हम तो आम पब्लिक है, हमारा बात ऐसे भी मीडिया तक पहुंचते हैं तो सरकार तक नहीं पहुंच पाते। नहीं नहीं, अब मीडिया तक पहुंच गई आपकी बात, ये गोदी मीडिया नहीं, इसलिए मैं यकीन दिला रही हूँ आपको, इसलिए जो बोलना है, जो समस्या है, जो परेशानी है, बोले। नहीं, पुल बिल्कुल जो सही तरीके से जांच होना चाहिए, अच्छा मेटेरियल से बनना चाहिए, कोई वो छोटा मोटा पुल है नहीं, हाईवे रोड का है, सब कहते हैं सिक्स लाइन है, सिक्स लाइन का मतलब से उस हिसाब से वो पुल नहीं है, वो तो समझ लो गाँव का देहात के हिसाब से वो पुल बन रहा है, सिक्स लाइन का पुल ऐसा होगा नहीं होगा। अभी भागलपुर में क्या हुआ है आप भी जानते हैं, 17,000 करोड़ का पुल बना, बस तो हो गया वो पुल, 1700 करोड़ का पुल बना, अब गिर गया वो पुल, बिल्कुल रेडी पुल गिर गया, अभी ज्यादातर लोग 2 महीने या 3 महीने की बात है ये। जी जी। तो आप उसको ये देख लो कि इतने बड़े नदी में 1700 करोड़ का अगर पुल गिर गया तो ये कैसे नहीं रुक सकता है यहाँ पर, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये नदी है, ये खतरनाक नदी है, बिल्कुल है, कामयाब नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। कैमरा घुमा के देख लीजिए कितना लंबा चौड़ा है। जी जी, मैं एक बार पैन करके मैं वहाँ भी पहुँच रही हूँ, एक बार मैं रिपोर्टिंग करके जा चुकी हूँ यहाँ से, दूसरी बार मैं आई हूँ आप लोगों के पास। बाकी देखिए आप लोगों से जो होता है कोशिश कीजिए, हम लोग भी सपोर्ट में है कि पुल अगर हो तो अच्छा हो, आने वाले 100 साल तक टिके रहे, जैसे कि दिल्ली का जो वो कौन सा पुल है, लोहे का पुल जो बना है, वैसा पुल हो कि अंग्रेज सरकार, हाँ मजबूत, अंग्रेज सरकार बना के गया था, 100 साल हो गया है, 30 साल ऊपर हो गया, अभी भी पुल वैसे ही है, तस से मस नहीं है। चलिए आप लोग से एक सवाल है कि हमारे देश में 100 साल पुराना पुल है, 90 साल पुराना पुल है, उससे भी ज्यादा पुराना पुल है, वो पुल नहीं धस रहा है, न गिर रहा है, न टूट रहा है, आखिर अब नया पुल बनने पर टूटता और गिरता क्यों, क्या वजह लगती है? मेटेरियल का कमी है, कुछ जो है धसा ही नहीं होता, उसका कमी है, जितना उसको अंदर नीचे डालना था, उसका मजबूत जर करना था, वो नहीं कर पा रहा है, मेटेरियल अच्छा नहीं दे पा रहा है, इसीलिए जो वो धस रहा है ज्यादातर, कच्ची मिट्टी है, उसी हिसाब से पुल बनना चाहिए। हम नहीं कहते कि बुर्ज खलीफा जैसा इमारत बनाइए, पुल ही बनाइए लेकिन बढ़िया बनाइए। और क्या मुद्दा है आपकी नजर में? यहाँ पर तो मुद्दा गिनाएंगे ना तो आप परेशान होएंगे बहुत। विधायक एमपी के लिए क्या मुद्दा है आपके पास, क्योंकि आपने कहा ना कि गोदी मीडिया मेरी बात को नहीं पहुँचा पाती है, तो मैं आपकी हर एक बात को पहुँचाऊंगी, इसलिए आप बताएं क्या क्या बात है आपके पास? हमारे यहाँ ज्यादातर जो है ना एजुकेशन वाले बहुत है, लेकिन आज तक किसी को नौकरी नहीं मिला है, बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं जो एमए बीए का डिग्री ले लेके घूम रहा है, वो लोग समझ लो ऐसा है कि गांव का अंगूठा छाप है, किसी के पास काम धंधा नहीं, कहीं पर अगर एप्लीकेशन डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, कुछ नंबर के वजह से पीछे हो जाते हैं, कभी कहते हैं कि इसके लायक नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे मुद्दा है, आप इतने सारे वही तो अगर हम काम गिनवाएंगे तो आप थक जाएंगे सुन सुन के, कहेंगे अरे बाप। अपने एमपी और विधायक से क्यों नहीं शिकायत करते हैं कि बेरोजगारी हमारे गांव बस्ती में क्यों है? और सबसे पहले गांव में हमारा तो एक चीज है, गांव में हमारा ये चीज का दिक्कत है कि हवा मौसम कल खराब होगा तो आज से बिजली काट दिया जाता है। सरकार तो 24 घंटे का दावा करती है, तो सरकार करती है ना, लेकिन हम तो कहते हैं 24 घंटे क्या, हमें तो सही से 6 घंटे भी नहीं मिल पाती है लाइट, अगर अभी मौसम काले पीले हो जाए तो समझ लो लाइट नहीं है 2-3 दिन के लिए, और लाइट सबसे पहले बात लाइट का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दा है, क्या क्या गिनाए। अच्छा, बेरोजगारी अहम मुद्दा बताया आपने, आपने ये दावा किया कि पुल कामयाब नहीं होने वाला है, ये चीज मैं पहले कहकर जा चुकी हूँ, और आपने बताया कि यहाँ पर नाव की फैसिलिटी नहीं है, आप लोगों को एक पुल कब्रिस्तान चौक पर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि और लोगों को जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, मुआवजा बहुत सारे को नहीं मिला है, अभी कितने लोग होंगे, कितने होंगे मोटा मोटी तातुआ पंचायत में तो जो है देलेंगा पंचायत में भी है, उसके बाद भगदापुर पंचायत में भी है, तातुआ पंचायत में भी है, बहुत सारे ऐसे मुद्दा है, खास करके हमारा यहाँ पर तातुआ पंचायत में जो खास करके ये रेलवे ब्रिज है, यहाँ से लेके देलेंगा मोजा तक अभी तक एलपीसी नहीं बना है, अभी तक जब 2005 में ये लोहे का ब्रिज बना था तो उस टाइम तो समझ लो गांव वाले ऐसे मतलब डर मडर के पुल बनाने दे दिए थे कि सरकारी काम है, रोकेंगे तो हमको जेल हो जाएगा, उसका एलपीसी नहीं मिला किसी को उस टाइम, क्योंकि गांव वाले को इतना मालूमात नहीं था, बाद में पता लगा कि इसका तो सरकार अलग से फंड देता है,
उसके बाद बंदे जब पुल बन के निकल चुका था फंड के लिए क्या करेंगे आदमी, उसके बाद दूसरा पुल आया SSB ब्रिज का, उसमें भी ऐसा ही हुआ, 2-4 हजार दे दिया जिसका जमीन है बन गया, जबकि उसका भी LPC होता है क्योंकि जमीन का खजना देते हैं जी। खाता वाला जमीन है, उसका भी LPC नहीं मिला है। उसके बाद जो खेतीबाड़ी वाला जमीन है उस पर रोड बन रहा है तो उसका भी LPC अभी तक नहीं बना है। कभी आता है चार बंदे मिलके कैमरा लेता है, फोटो वोटो करते हैं, कागज वागज देखते हैं, उसके बाद कहता है आपका LPC बन जाएगा, फिर चार महीने के बाद आता है कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, इसके लिए 10% लगेगा, 15% लगेगा, जल्दी बन जाएगा, लेकिन आज तक नहीं बन पाते LPC। हमारा भी है, हमारा बाबूजी का भी है, यहीं पर है, ये बस बांसबरिया के पास है। अभी तक हम सुन कई बार दिल्ली से आ जा चुके हैं लेकिन अभी तक LPC नहीं बना है, नहीं बन पाया है। और यहाँ पर हमारा जो जल नल योजना जो दिया है उसमें तो खैर हम देख रहे हैं माशाल्लाह दे दिया है, बहुत बड़ी बात है नीतीश कुमार का, लेकिन आज तक हम एक गिलास पानी नहीं पी पाए। कितने साल पहले लगा है ये? मोटा मोटी 1.5 साल मान के चलो। नल वल सही है? सब सही है, पानी नहीं है, बस पानी नहीं है, पानी नहीं दे रहा है, सफाई सप्लाई नहीं दे रहा है।